अभी 27 तारीख से और एक फ्लाइट जो है कलकत्ता से झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा से फिर वापसी कलकत्ता जो है अलायंस ने स्टार्ट किया है डायरेक्ट फ्लाइट, और जो कि कलकत्ता से 11:45 पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो है 1:15 से आएगी, और इसके बाद ये जो है झारसुगुड़ा से वापसी जाएगी कलकत्ता 1:45 पे, और ये कलकत्ता पहुँचेगी 3:15 पे। ये जो है 27 से 30 जनवरी तक फ्लाइट चलेगी, और इसके बाद में 31 जनवरी 2020 से उन्होंने जो है झारसुगुड़ा को जो है बनारस से भी कनेक्ट कर दिया है वाया भुवनेश्वर। ये एक जो पहले भुवनेश्वर से अगर किसी को बनारस जाना हो वाराणसी एयरपोर्ट पे तो उसको वाया दिल्ली जाना पड़ता था, उसमें बहुत टाइम जो है व्यर्थ होता था। अब अलायंस एयर ने जो है इसको एक तरीके से डायरेक्ट ही जो है भुवनेश्वर से डायरेक्ट फ्लाइट चला दिया है, और झारसुगुड़ा से भी वाया भुवनेश्वर जाते हुए हम लोग जो है जो भी जाना चाहेगा यात्रीगण तो वो बनारस जा सकता है वाया भुवनेश्वर होते हुए। एक धार्मिक स्थल है वाराणसी और बहुत ही मनोरम स्थल है वो, और धार्मिक है और अच्छा, मतलब एक अच्छा सेक्टर, काफी डिमांडेड सेक्टर था कि बनारस जो भी जाता था पहले दिल्ली से बहुत समय खराब होता था, यहाँ से झारसुगुड़ा से वाया बनारस करके उसको मतलब लोगों को एक सुविधा मुहैया कराई है अलायंस एयर में। थैंक यू। ये जो वाराणसी सेक्टर है ये 31 जनवरी 2020 से स्टार्ट होगा, और ये जो हमारा मार्च में जो हमारा 28 मार्च को हमारा विंटर शेड्यूल खत्म होता है ये तब तक है, उसके बाद में समर शेड्यूल आएगा, तो समर शेड्यूल में अभी जो है हमारे पास में उसका कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है कि ये उसका लिए एक टाइमिंग यही रहेगा या चेंज होगा। फिर जो है को यहाँ से दो रूट मिले थे, तो एक तो उसमें था यहाँ से झारसुगुड़ा से जो है वो भुवनेश्वर, और दूसरा रूट था झारसुगुड़ा से रायपुर। इसके अलावा जो है उनको एक रूट और रांची का है, लेकिन रांची वाला भी सेक्टर वाया है डायरेक्ट नहीं, उन्होंने स्टार्ट किया है। और इसके अलावा जो जो अलायंस एयर है वो कलकत्ता भी जाती है, लेकिन उसमें जो है टू स्टॉप्स हैं बीच में, लाइक पहले रायपुर जाएगा, रायपुर से फिर रांची जाएगा, फिर वो कलकत्ता जाता है। तो अब क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता था, 4.5 घंटे लगते थे कलकत्ता पहुंचने के लिए, तो इसलिए अलायंस एयर ने डायरेक्ट फ्लाइट को जो है स्टार्ट किया है, जो कि कलकत्ता से डायरेक्ट यहाँ पे आएगी झारसुगुड़ा, और फिर यहाँ से झारसुगुड़ा से वापसी सीधी कलकत्ता जाएगी।